सीता अनुसुईया सावित्री जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी माँ शक्ति, आज हम राठौर कैसेट के माध्यम से स्वामी आधार चैतन्य की प्रेरणा से हाल ही में इंदल हरण कथा का जो प्रोग्राम आप लोगों के सामने देने जा रहे हैं, शायद है ये कथा आप लोगों के लिए प्रिय होगी। तो लीजिए, एक बहुत ही मार्मिक कथा आपके सामने है, मैं पेश करता हूँ। आज मछला बैठी सत खंडा पे, सुंदर मंडली ककिया नार, जेठ महीना लगो महुबे में, भैया लपट रही थी गहराई। और जेठ दशहरा की अपर भी है, और मेला करन जातय स्नान, नर नारी सब मिलखी जाय रे, बेय दराम हो बे अकियारी। और देखिए भीड़ अरे मछला ने, तब सासुलते कहती सुनाए, मैया पैया परे तुम्हारे, निक मोदी जो भेद बताई। और कहाँ को मेला जूजावत है, जननिया साची दियो बताए, मेला देखे कि सासुल मेरो रह रे प्राण रहो तो घबराए। तब बहिया कहती अति बला बतनी, और मछला ते कही थी सुनाई कह, अरे जेठ दशहरा की अपर भी है, दुनिया कर न जाती स्नाने, गंगा जी जा घाट बिठूर पे, अब जू मेला जा तू अंगारी। तब हंस के मछला बोलन लागी, मैया पैया पर तुम्हारी। और 14 साल को इंदल हो गो, हम मुड़न गंगा ले जाए, तुम बुलबाए ले मेरे प्रीतम को, सासुल यज्ञ देव करवाई। और वाला पे दैती पठाए, और जल्द चली जा तू बंगला लो, मेरे बेटा को लाओ लिबाए, बांधी चल दई रंग महल पे, और बंगला की सीध लगाए, चटक चुगरिया लटकतिया बे, धुतिया दबत पाए सो जाए। बोली मंडली किसे ओ, जाके बोली मंडली किसे, जेठे देव कुमार के लाल, जल्द चले जाओ तुम आंगन में, जननी त्यारी रही बुलाए। इतनी सुन के मंडली कने कर में लई तलवार उठाए,
चल भैयाला रंग महल को और मैया के पहुंचे जाए। और दे परिक्रमा रानी देवे को ओ, परिक्रमा रानी देवे को सर धर दो चरण पे जाए। और कौन अबरिया मैया पर गई जो जल्दी में लो बुलाए। सच बताए दे मोई आंगन में रह रे प्राण रहो अकुलिया। बेटा सुन ले अरज हमारे और मछला जावे गंगा नहावे बेटा या क्या देव करवाई। और बारो इंदल मुड़े गंग पे बाई बिठू रकेर मैदान। तब हंस के आला बोलन लागे मैया पैया पर तुम्हारी। और भारी बेरे अरे महुबे से मन तो बामनगढ़ सरदार। और जो मछला गंगा पे जाइए और बिन बात बढ़ेगी रारी। या समझा बताए घर ये इंदल लियो मुड़ाए। और बिना बात को राड़ो बनी है बजी है काउगढ़ पे तलवार। नौजवानों जैसे ये शब्द मछला ने सुने हैं अपनी पिया की कलाई पकड़ कर क्या बोली। सैया की जनी अंगना मिले थे बैठा और मैंने समझी थी जिया राम के पद ही खाने बरियारी। और लहंगा लंगरायो और चादर आयो पहनो कंध हमारी। और अनहक सियार भय सासुल के लजियो कुटम होवे क्या। और कायल हुई कि आला तज की और मछला ते कही सुनाई। ऐसी बोली अब मत बोले मेरे गई थी कलेजा खाई। पहुंचो जाए और दे परिक्रमा अब मछला को सर धर दो तो चरण पे जाए। और कई हकीकत जब मछला ने उदल बोले भुजा उठाई। और करो तैयारी तुम चलवे की हम गंगा को दी हनवाई। और सुनी हकीकत जब उदल की तो कर मन में कर बिचारी। और उदल जावे जो गंगा पे हम कौंदी है रार कराए। और सांप मरे न लाठी टूटे से दैनिते बना भरलाली। जहरी कपटी उ रही के सरदारी।
और हंस की बोले देवे से बहना सुन ले अर्ज हमारी। और हम ऊजा में घाट पिठू रखू और इंदल कुलाए मुड़वाए। तुम चिंता जियरा में मत करी हो जोलो है मामा परिहारी। पहुंच गए आल्हा पे हंस के कही लोहरवा भाई। और आज्ञा दे दे तुम भावज कुंवर गंगा के करे स्नानी। यारो आज्ञा ले आल्हा पे गुदल गंगा को आए। यारो आला ले आज्ञा गुदल गंगा को पठवाए। यारो आज्ञा ले आल्हा पे उदल गंगा को आए। आज उदल चल दे गड़ महुबे से संग में डोला भवज सिधार। धीरे धीरे दिवला वाले लई गंगा की असीध लगाए। संगई मामा माहिल चल दे मनहिया मन में रहित विचार। बुदिन बिधना कबला बैगो मिट है बंश बना फर लाले। और मेरो महोबो मेरे बाबुल को परिमालन लव तू छिनाए। मोह को मीठो मन को जहरी संगम कुबल चलो तू सिधारी। और ज्वान पांच सौ के रे घेरा में पहुंचे बिठूर के रे मैदान। और नंबी नजर करी थी उदल ने कहूं जाए ठोर लख तू अवना। ओरा ठोर ठोर बतलियो निक उदल को दियो रे टिकाए। उदल बोलत है सैयद से चाचा डेरा दियो लगाए। और गंगा घाट बिठूर रेतिया में धोसा बजत बना फरलाल। और इन्हें कनौजी कनवज वाले पहुंचे बिठूर के मैदान। लखोरे लाखन ने तो सुपना ते कही थी सुनाए के कौन सुर राजा चढ़ के आओ घोसा बजत बंद हो जाए। और जा कह दी जो बापा जी से आए गो मंझ दीप गोरा। धोसा को बंद करावे न फिर खेच लेवे तलवारी। और एक हलकारा भागत आवे और उदल ते कही थी सुनाए गए।
लाखन राना है मर्दाना दान धार कनौ जियरा है और जाए हुकुम लाखन राना को धोसा बंदा देव करवाए जर के लड़का देवे बालू बोलन लग तू दे सिंगलाली और का हम रैयत लाखन जू की धोसा बंदा दे करवाए और बुही का जन्म है मैया के हम का स्यार लय देओ तारी खोरन में बल घट गो न हम बेच लैया तलवार चलो कंधे पे सिर रही है धोसा बंद हो न कुनाए तब हलकारा भाजन लागो और लाखन ते कही थी सुनाए और आए गौ लड़का देवे बालू नामी बंस बना फरलाली और दुनिया जानत है उदल को जाके छटी धरी तलवार और जा कह दइए रन बंकान धोसा बंद हो न कुनाए सुन के हल्का राखी तचिए कुंवर कनौ जियराए और जर के लाखन बोलन लागे मूर्छा बंदी देव करवाए और फौज सज गई कन बज बाली बाई बिठूर कर मैदान जे बांकुड़ा देवे बालू नंगी हाथ लई तलवारी और भुना फड़क रैया लड़ दे को दरी में उल रही है तलवारी और कल्ला ठाकुर रस में दुलको बेटा रखियो धर्म हमारी को पाल करो तैयार और इज्जत जावे जो गंगा पे तो मुँह कहाँ दिखाई जारी और ही सत घोड़ा गंगा जी पे और उदल ते कही सुनाई और पीठ हमारी पे बैठे रही हो तुमको विजय दिए करवाई जागत देखी है सैयद ने धक्का लगत करे दादा बहिया देखे करन बंका किया बोलन लगे ते मियां सरदार जे है लाखन कन बजवाले उदलिया कल का गई बोरा देखो लाखन सो दई है रार रे मचाए नेकी बदी गंगा पे हुई जाए आलागिरी का भार में जाए कायल हुई की के उदल बैठे म्यान में बंदरे करी तलवार सैयद पहुँच रे गए लाखन ते सुनियो कुंवर रे कनौ जीरा हम ना लायक तुम सब लायक
सुनियो कुंवर रे कनौ जी राय उदल राढ़ी जूते बे बालो अपनो चक्र रे धरो गहरा सियानी पे करो तलवार कायल होके के लाखन राना होदम चक्र रे धरो तत्काल पाचया सरफी के लईती उदल ने तई है लाखन की के नजर रे बुजार दोस्त बनाए लो तो लाखन को लोहरे देवरे कुंवर के लाल बगिया पलटी के राजरे घाट पे पाइया गंगा केरे मैदान पड़ी है मुसीबत जा दिन लाखनी अपने खून को में दियो बहार लाखन बोले के उतर राजते सुनियो ते सरे राज के लाल बगिया पलटे की असनाई है तलवार रे कहे की लाज चाहे तवली जोरे कटवाए दोस्ती हो गई उदल लाखन की बाई गंगा के राम मैदान भेटे खोल गई रजपूतन की सवरे करन रे लगे विश्राम आधार जी खटिया पे हंस रहे राठौर मंदरे मंद मुस्किया माला फूलन की गुरु जी त्यारे गले पड़ेगी माला फूलन की प्यारे गले पड़ेगी आज ही अनु मामला जाई ढब रह गो निकया गुआ के सोनो रे हवाल चित्र रे खाय अभिनंदन की पहुंची थी गंगा के मैदानी ध्यान रखना नौजवानों ये बलख बुखारे के राजा अभिनंदन की लड़की चित्ररेखा जो इंदल को बहुत प्यार करती थी और उसने जब ये सुना कि उदल मछला और इंदल ये सभी गंगा पर आए हैं तो अपने हृदय सम्राट को खोजने के लिए नटनी बनी और नटनी बनकर इस चित्र रेखा ने उदल के डेरे में नृत्य शुरू कर दिया आज गोरी गोरी बहिया नरम कलैया नटनिया नाच रही थी दिखलाए ठुमरिया गजल दादरा गावे मधुरिया मंद मंद मुशिकियाए डारी मोहनिया दई बंगला में नहीं मसो तलक भंडाए नजर बांध दई सब जानन की तब सैयद ने कही थी सुनाए
दिया उदल सोबे अब दुख नींदरे बैठ गया है। और जलद निकालो इन नटनिन को गाना बंद देव करवा है। सरफी दई ती उदल ने नटनी डेरा दई ती निकार। इत सोचत बिटिया अभिनंदन की कैसे मिले पर नारी। और मन में सोच रही थी बिटिया नई दिया में नट पिला। अरे सोपत जो हमको मिल जाए तो हम ठाड़िया कर बिहार। और रूप देख के आज इंदल को रेखा मोही मोही रह जाए। अरे कवे गुसैया बूदिन आए सजना बाहिन में ले आए। सुंदर पलंग गंदा मखमल को जापे पीतम गुलिये बैठा। और जाद नया है सोनबा बालो मेरी अटिया केर मैदान। और लगिया लाल सा बहुत दिन नकी गले में सोइए जो भुजा पसारी। मंद मंद मुस्क्याए गए। और धीरे धीरे आज गुड़िया ते तब बिटिया ने कही सुनाए। और रेखा बोली जब बहना ते बहना पैया परे तुम्हारी। और अकल बता गए हमको गुइया कैसे मिली है पिया हमारी। अरे जवान सरो जब से देखो चोली चटक चटक रह जाए गए। और उठत बाबू को मेरी छाती में लुका लगो तो गेट में आए। और तब ही सजनी बोलन लागी बहना सुन ले अरज हमार कहे। और बारो इंदल मुड़े गंग पे तुम धारा पे पहुंचो जाए। और सुंदर अकलिया जो कुइया ने डर गोरी को दई ती बताए कहे। और हंस के दुखिया तब बोलत है बहना धीरज दियो बधाए। और तमें उदल बोलन लागे भावज पैया पर तुम्हारी कहे। अपराध होत गंगा की धारा में भावज करना चलो असनानी। काल को प्रबंध करियो फिर गाखा गमटोरो आए गए। और पहले स्नान हो में गंगा में भावी जन्म सफल हो जाए। और बात सुन के बराय अपने की मछला तुरंत भई तैयार कर। और मन 500 के घेरा में डोला चलो मछल देना रे। और चादर हरी हती मछला की घूंघट ऊपर लाओ तो घर गई। और मिलली सी कोंद गई थी मेरे भैया मोदा भाव तो स्वर्ग में जाए। और रूप देख मछला रानी को देवता मोहे मोहे रह जाए कहे। और रूप की अगरी अकल की भोरी बैठी हाथी पद्मिनी नारी। और कंचन कैसी काया तम के लख के जवान मूरचा खाए कहे। और जब मुसकी मछला की छूटे कूदा हो तो स्वर्ग में जाए। मछला उदल दोनों पहुँचे गंगा धार पे पहुँचे जाए गए। और नाई बुलबाओ उदल नियंदल मुंडन दो करवाए। और सुंदर धार
देहरे रही दिल पेटा खाए गए कछुआ मगर रीछ से घूमे लेके दिया राजा भेरा है। और लहरे उठनई गंगा जी में उदल नावलई थी मंगवाए गए और उदल मछला दोनों बैठे गोद में लौ तो परियो ना लावे और अकल उड़ गई सौ सौ कोसन मत में कुमत बैठ गई आए गए बतोन लगी रहो तुरे उदल पहुंचलिया बात पहुंचिया हुआ है। ओए तमे रेखा अभिनंदन की तुरत ही नावलई थी मगवाए गए भाई हर गज जहां पे डोली थी महुवे की रेखा नाव लगाई जाए ओ छन 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 थिरक थिरक जन नैया जोले बड़ी दिखाए और नजर बदलिए तेरे मेरे भैया और इंदल पूरा ही निहारी और सुंदर चेहरा लखिए इंदल को रेखा मोहि मोहि रह जाए कहे और लेके पुड़िया जादू बाली आज गंगा में दई चलाए और दागी लहर हवा की भैया मूर्छित भय दौड़े सिंगराए कहे और मन्नी मछला दुजन हुई आई नाव पे जादू चलो आघाई और हो सबन उदल के हुई गए हाथ हाथ न दे त दिखाए गए और रेखा बिटिया अभिनंदन की इंदल चोरी लई करवाए और एकदम पकड़ लो तो इंदल को धर के मंत्र भूख दौ जाए गए और सुआ बनाई लो तो लाला को और पिंजरा में भूख दौ जाए और सुना करी इंदल बेटा को लेखा संग में गई लिवाए और खाली नाब लखी उदल नहीं कदम गिरे तमारो खाए इधर जैसे ही रेखा ने इंदल की चोरी की है और सुआ बनाकर रेखा तो इंदल को लेकर वलख बुखारे के लिए चली गई, इधर जैसे ही नाब को खाली देखा है तो उदल के होश उड़ गए और मछला भाभी के पैर पकड़ के उदल बोला भाभी गजब हो गया आज हो सब बंद उदल के हुई गए लीली पेट जात नायलारी और इंदल गायब भव गंगा पे कैसे मुख दिखावे जाए और पूछे आला जब उदल को तब का दिए जवाब सुनाए और मुड़ मार दो गंगा जी पे उदल छोड़ दई डिडकार छैया मछला बतखो मिन गंगा पे दौ तो गमाई मछला उदल दोनों रोबे लकी बंधत गंगा पे जाई और जाल मगाओ तोरे सैयद ने और गंगा में दौ तो डरवाए पर मिलो न छैया आला बालू सबरे कर मल मल पछताई ओ मछला रोबे गंगा जी पे मर्दो सुनियो यार ज हमारे और हाय मेरे छैया कुमर कन्हैया मैया गैया सी बिलखाई सबैया मेला ढूंढ बाओ ढूंढे न मिले परे ना लाले
और माहिल आए तब उदल ते ऐसे कई मही पतिराए गाय को रोबो देवे वाले हम आलाप दिए समझाए सत के बीच श्री भगवान और उदल को ले माहिल चल दे पहुंचे महुबे के मैदान घोड़ी कबूतर ले माहिल और रंगला में पहुंचो जाए खबर करी आल्हा चुगला रही के सरदार और भारी गजब भव गंगा पे उदल मारे पर ना लाल एकदम उदास मन से माहिल ने जवाब दिया आला गंगा स्नान करते वक्त तुम्हारे भैया उदल ने तुम्हारे लड़के इंदल को मौत के घाट उतार दिया मछला ने जब इनकार किया तो उसे फटकार कर मछला को शांत कर दिया नौजवानों जब ये सुना है आंखों में लहू के कतरे लेकर आला बोला मामा ए कही सो कहलैया बना कही हो चुगला जी बदाबे मोह जाए और काय को दोष दे तू भैया को नैया कौन लगावे पाए राम रूठ जाए दुनिया रूठ है चाहे सब रूठ है कुटुंब परिवार पर भैया उदल सोना मिली है माहिल सुन ले अर्ज हमारे एकदम माहिल कहने लगा अगर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है तो उदल को बुला और उसे ये पूछो कि इंदल कहां है नौजवानों कहने सुनने से दीवाले भी चल जाती हैं आला ने जब उदल को बुलाया उदल इंदल कहां है सो रोकर उदल आला के पैर पकड़ के बोले भैया और पैर पकड़ के मंडली कहे बोले आज उदय सिंह लाल और भारी गजब भव गंगा पे खोई दे अरे परे ना लाल मेला में ढुड़बाओ ढूंढ न मिलो परे ना लाल मुझे एक महीना की मोहलत दे दो हम इंदल को दिए मिला ओ साची आ गई मंडली ककी कह जाने मारो लाला हमारे और पांच लहरिया आला लेके मारन लगे कनौजी दारी इधर तो आला उदल को मार रहे हैं उधर लाखन भी अपने दोस्त के गम में कन्नौज में शेषक रहे हैं लोगों इधर क्या हुआ और पाई तो मारा चुटिया जाबे एड़ न खाल झूले रह जाए और उठे पिचक्का जब लोहू के बोटी उड़ते मा सकी जाए संती देवे बाले मुख से हाय कही ना राम और जेठो भैया बाप बरोबरी उदल नीचे कुनार झुकाई इधर जब देवे मछला और उदल की रानी फुलबा ने ये सुना तो ये सबे रोते हुए आला के पास पहुंचे और देवे ने अपने जेठे लड़का आला की कलाई पकड़ी और जवाब दो बेटा ओ तेरिया मर जाए तेरिया मिल जाए पुत्र बहुत हुई है संसार पर कोख को बीरन या बनाए मिली है आल्हा या कल गई बोराई
अवतार और मछला रानी ने आगे बढ़ के सैया के चरण गहे अकुल्यारी। अब हम तुम स्वामी जो कायम है इंदल फेर लेवे अवतार और उदल भैया जो मर जावे तो मुँह कहाँ दिखाई हो जाई। आंखों में खून के कतरे लेकर आला कहने लगे औरी नादान अब हम समझ गए कि उदल से तेरा प्यार कैसा है और नजर लगी है तेरी उदल सोता सो इंदल दो मरवाई। और रोई की मछला बोलन लागी प्रीतम पैया परे तुम्हारी और पाप की बातें अब ना करियो उदल धर्म को लला हमारी। और इंदल खोई गाँव गंगा जी पे सैया सांची दही बताई। आला कहने लगा चाहे कुछ भी हो मछला लेकिन हम इससे आस्तीन के सांप को वो सजा देंगे जिससे सुनकर मौत भी दहल जाएगी। और क्या किया आला ने ले चला तो बुलाया आला ने और उदल को लौरे बंधवारी और सघन बनी में मारो उदल जाके ने नालियो निकारी। और हाथ बांध ले अब पीछे खुले जल्ला दब चले सिधारी। और रानी मछला मंडली कती अपनो दो तो न लखा हारी और जियत छोड़ियो मेरे दिवरा को मरियो न मेरे दिवरा को जाई। सरग मेरा ओले जल्ला द गए बेहर में इंदल को जत उड़ रह जाई। चारों तरफ ये जल्ला देखते भी जाते हैं कहीं आला का लड़का अगर जंगल में मिल जाए तो हम उदल को छोड़ दें लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों मछला की बातें जब याद आईं तो जल्लादों ने उदल को छोड़ दिया और एक हिरन को मार के बाकी नैन और कलेजा दोनों निकाल लिए। और नैन कलेजा ले हिरन आके दयालहा की नजर गुजारी और उदल चलो गो बेहड़ ते पहुंचो सिरसा के मैदानी। खबरें हो गई सब महुबे में के मारे गए उदय सिंह लाले और रैयत रोवे परमाले की अब हम कौन भार में जाए और झुके साहिबी पृथ्वीराज की तब हरे कौन बचाई है जाए। और बिना लोहरवा के खेतन में को पिरथी के घटावे माने और रैयत रोबे पर माले की कोई रंदे भात न खाई। भैया होन हार बलबान में कछु और हुई गौ है यार होन हार बलबान में कछु और हुई गौ है। राठौर होनी है बलवान में कछुआर हुई गौ है। आप मेरे नौजवान साथियों इधर जैसे ही जंगल में से निकलकर उदल सिरसा में पहुंचा है दरवाजे पर खड़ा हो गया
और पहरेदारों से जाकर कहा, भैया जाकर मलखान से कह दो कि तुम्हारा छोटा भैया उदल दरवाजे पर खड़ा है। आज विपत्ति भावई सब पे पड़ गई मरदो सब सताए दो जाए, और भैरत भावई घर घर डोले जाने किन्हें दगा दे जाए, और सोई भावई अब उदल पे और सिरसा में परी ठुराए, खड़ो कन्हैया दिवला वालो और पाटिक पहरो निहारी, और उत दरबानी गौ मल खेते ऐसे कही ती द्वार ते जाए, उदल ठाड़े दरवाजे पे फाटिक या जुरैत खुलवाई, चिके मलखे बोला न लागे दरबानी ते कही थी सुनाई गए, एक जा दिन आई है दिवला बालू फाटक कू दिन करी है पारी, और मार के कोड़न खाल उड़ाबो पापा जी को दियो रे भगाए, और है बह रुपिया का उद्देश्य को पहुंचो सिरसा के मैदानी, नौजवानों इधर तो उदल इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही द्वारपाल लौट कर आया है उदल ने जवाब दिया, भैया फाटक खोलो। तो द्वारपाल अंदर से क्या बोला, और नाई हुकुम हुए सिरसा पत को फाटक बंद दौरे करवाए, रोए के उदल लौटन लागे लाइन रबर की सीध लगाए, और हिलकी भर भर रोवे जर जर अपनी छोड़ी छोड़ी डिडकार, और नरवर गढ़ के मैदानन में पहुंचे सिंह लोहरवा भाए, और कुआ पे चर्चाया जो पनिहारी ऐसे लख लख रही थी कराई, जैसे आपत्तियों से खेलता हुआ उदल अपनी ससुराल नरवर में पहुंचा है, और कुआ पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थी, रोकर उदल बोला, रोए के उदल बोला न लागे और सखियन ते कही सुनाए, हम पांच दिना के अब प्यासे बहना पानी दिए पिवाई, आलियत नरयू दल की सखियां सोच सोच रह जाए, और मालूम पड़ते हमें जियरा में है जे सिंह उदय सिंह लाली, और तन के कपड़ा फटे उदल के अब जू शरम शरम रह जाए, और एक दिन आए ते नरवर में छकड़न मोहरे दई गमाए, और आज के दिन कुएं से आए पैसा एक पास है नाए, एक दिन आए ते मोहरम में अपनी बांध ढाल तलवार, और आज के दिन कुएं से आए ना है पास बेंदुला बारी, खबर पहुंच गई मकरंदी पे पहुंचो फाटक पैर जब आए, और लो पहचानी अरे उदल को गह के भोजा पकड़ लो जाई, और उदल को महलन ले पहुंचो एकदम भोजन करे तैयार,
और भाई रसोई जब आंगन में बैठो धवलम होवे क्या और पहलो ग्रास हलो तो उदल रे आंखन बहती नीरज धार और रानी बैठी मोती मलकी तब उदल ते कही सुनाई कसम है गंगा जी की ओ तुम्हें कसम है गंगा जी की बेटा सांची दियो बताए कैसे रोबो तुम नरवर में ओ देवे के राजकुमार बोलन लागे मैया पैया परे तुम्हारे और गंगा करन गए स्नान जो इंदल कुंज मिलो अब ना है होई गौ लड़का मंडली को आल्हा दे सत दौर निकारे कन्हैया बाबज जी को जन का बिलख बिलख रह जाए और जो हम भोजन मैया करनी तो मेरे कुले दाग लग जाए और जो लो मिले नहीं दल छैया पानी हम पीवन के नाए और मोती मलकी आज रानी ने रच दो हवन मठी में जाए नौजवान उदल को शांतना देकर उदल की सास बोली बेटा भोजन करो और मैं जाकर शारदा देवी के मंदिर में पूजा करके ये पूछती हूँ कि आखिर इंदल कहाँ है। तो जाकर जैसे ही उदल की सास ने हवन किया है तो शारदा क्या बोली सुन ले रानी मोती मलकी का है सोवत में दौरी जगाए तब रोई के मैया बोलन लागी जननी पन्या परे तुम्हारे उदल रोवत है आंगन में कहीं दल को दियो बताए बोली महारानी की बिटिया सुन ले यार ज हमार कहे ए बलख बुखारे में नली काबुल देश सिंधु के पारे और ले गई बिटिया अभिनंदन की सुना करके रही रे बिरवाए और टंगोटिया राहू नल बिलख कील पे चोंच खटा को खाए उदल को बेटा सांची दई बताए और जुगिया बन के तुम अब जइयो काबुल देश सिंधु के पारे और पलख बुखारे में इंदल है चित्र रेखा के दरबार और ब्याही बजी है इंदल सिंह की रेखा सोच सोच रह जाए साथियों उदल को यह पता लग गया कि इंदल बलख बुखारे में है और इधर ढेबा को बुलाकर मछला ने महोबे में जवाब दिया तुम उदल का पता लगाओ
तो ढेबा उदल का पता करता हुआ जब नरबर में पहुंचा है, अब मकरंद, उदल और ढेबा ये तीनों योगी बनकर बलख बुखारे के लिए चले, जहां पर आला का लड़का मंडलिक, जो अभिनंदन की लड़की चित्ररेखा, इसे सुआ बनाकर पिंजड़ा में लटकाए हुए थी। आज तीनों योगी वहां से चल दे बलख बुखारे की सीध लगाए, और रात दिना की मंजिल करके ऐसे धुरो दवाए लो जाए। रेखा बिटिया अभिनंदन की अटा पे इंदल सो रही बतराए। और पुड़िया लेके जादू वाली ओ, पुड़िया लेके जादू वाली आज सुअना पे दई थी चलाए, और मानुस कर लो है इंदल को रेखा मंद मंद मुसिकिया है। हंस के रेखा बोलन लागी परम सने ही पिया हमार। सासु के छैया ओ, बोलो बोलो सास के छैया मेरे प्राण पिया भरतार। तब रोए की इंदल बोलन लागे मेरी सुनो पद्मिनी नार। जोखम खबर होए महुबे में चाचा बांधिया में तलवार। ऊंची गढ़िया नीची करी है गदहन हल्दी है चलवाए। ऊंचे गुर्जन पे जो तो मैं ऊंचे गुर्जन पे जो तो पे पल में नीचे दिए गिराए। हम है लड़का बना फरन के जिनकी छटी धरी तलवार। दासों बिटिया कही मान ले मोय महुबे को दे पठवाए। तब रोई की रेखा बोलन लागी स्वामी पैया पर तुम्हारी। और बहुत दिनन में भेंट भई है प्रीतम बिछुरन सहु न जाई। और बनाए के दुलहिन मोइले चलियो देव सासुल के पैर पुजाई। और तन में इंदल मन में इंदल हाय इंदल में बसत पिरानी। और इंदल सोचे मन अपने में हुई तो गई गजब की बात। और कौन पाप प्रभु हमने की नहीं पर गए फंद मेहरिया क्या। पीर बहोरन फुलबा चाची कोई नहीं अपनो परत दिखाई। और नगर महोबो मेरो छुट गऊ चचा उदय सिंह लाली। और सुनबा मैया दिबला अया छूटो महुबे कोरे परिवार। और टंगो पियरा इंदल बिलखे अपनी छोड़ छोड़ डिडकारे। इधर तो नौजवानो इंदल और रेखा का वार्तालाप चल रहा है, इधर उदल मकरंद और ढेबा योगी बनकर जब बलख बुखारे में पहुंचे हैं, नृत्य करते हुए
ये जब दरवाजे पर पहुंचे हैं तो द्वारपाल ने इन्हें साधारण योगी समझकर फाटक खोल दिया। राजा अभिनंदन की सभा में इन्होंने नृत्य किया। राजा अभिनंदन ने जवाब दिया कि मेरी रेखा लड़की है जो आंगन से बाहर नहीं निकलती, और मेरी लड़की के आंगन में जाकर मेरी लालसा है कि तुम नृत्य करो। उदल मकरंद ढेबा तीनों पहुंचे रेखा के दरबार गए। आबत देखो तो इंदल ने लो पहचान उदय सिंह लाल। उतर रेखा बोली बैरागिन से बाबा नाच दियो दिखला। और बजे मजीरा अब ढेबा के मकरंद दजत खंजरी जाए। बजे बसुरिया उदय सिंह की नाचत देश राज के लाल। और इंदल सोचे मन अपने में कागत हुई गई चचा हमारे। इधर जब बहुत ही सुंदर नृत्य देखा है रेखा ने, सोचा मैं अपने प्रीतम को भी नृत्य दिखा दूं। तो जादू की पुड़िया लेकर रेखा ने जब सुआ से इंदल को पुनः मानुष बनाया है और जवाब दिया सैया और ऐसे योगी आंगन आए ऐसे लखे आज तक ना है। और नाच देख ले बैरागिन को प्रीतम जन्म सफल हुई जाए। तब तेगा लेके इंदल छैया और रेखा ते कही सुनाए। और जल्दी पर्दा रेखा कर ले आए गौ बंस बना फरख्यारी। और काहे को रेखा पागल हुई गई का तेरी परी अकल बेगारी। और नए बैरागी चचा हमारो ठाड़ो उदय सिंह बलवानी। और ठालो देखो उदय सिंह को रेखा पर्दा लो करवाए। और रोई की बोली है उदल से चाचा पन्या परे तुम्हारे। हम नाव तुम्हारी पे बैठी है बेड़ा खेल लगाइयो पारे। और हंस के उदल बोलन लागे बिटिया सुन ले अर्ज हमारे। और तुम लौटाई दे इंदल को हम तेरे लिए भमरिया डारी। और लाल बराइत सज के आई है बा महुबे से अरे सरदार। और भोरिन भोरिन तेगा बजी है ता दिन लिए भमरिया डारी। और गंगा खाई ती उदल ने बाही अट्टा के मैदान। तो सुआ बना इंदल छैया को और पिंजड़ा में दो घुसाए। एक जादू की पुड़िया लेकर रेखा ने उदल को दी और जवाब दिया चाचा जी जैसे ही मेरे गांव की सीन से बाहर निकलो वैसे ही इस पुड़िया को मेरे हृदय सम्राट को सुंगा देना। ये पुनः मानुष बन जाएंगे लेकिन तुम्हें मेरे प्यार की कसम है। और एक महीना को बादा है चाचा लियो भमरिया डाल। और जो नहीं आबो मेरे आंगन में तो हम पेट फार मर जाए। और गंगा कर दई ती उदल ने बाही अट्टा केर मैदान गए। और इंदल छैया कुमर कन्हैया को जब पिंजरा लो उठाए। और तीनों योगी वहां से निकले लई महुबे की सीध लगाए। और जैसे ही निकले मैदानन में इंदल मानुस लो बनाए। सुरजन चेतन समय अवनी को आयो है।
ओरे ओ सुरजन चैतन्य समय अवनी को आयो है। समय अब नी को आयो है और ओ सुरजन चैतन्य समय अब नी को आयो है। इधर मेरे नौजवान साथियों, जैसे इंदल को शुआ से पुनः मनुष्य बनाया है, उदल कहने लगे बेटा इंदल अब तुम लौट कर महोबे में जाओ, पूरा परिवार परेशान है। इंदल कहने लगे चाचा जी तुम नहीं चलोगे? तो उदल आंखों में आंसू लेकर बोला बेटा इंदल मेरा तो महोबा हमेशा हमेशा के लिए छूट चुका है, मैं शरीर से लौट कर महोबे में नहीं जाऊंगा और तुम्हें मेरे प्यार की कसम है इंदल तुम जाकर महोबे में ये मत कहना कि हमें चाचा उदल बलख बुखारे से छुटा कर लाए। तुम बारात लेकर बलख बुखारे में आना और तुझे मेरे प्यार की कसम है मैं तुझे बलख बुखारे मिलूंगा, लेकिन ये बात आल्हा को मत बताना कि उदल जिंदा है। नौजवानों इंदल तो जब पहुंचा है महोबे में और उदल अपनी ससुराल में मकरंद के साथ पहुंच गया नरवर में, इधर क्या हुआ, जैसे ही इंदल महोबे में पहुंचा है चारों तरफ महोबे में तहलका मच गया कि इंदल जिंदा है। ये मछला मैया के आंगन में जब इंदल पहुंचा है तो हुआ क्या, आज इंदल पहुंचे दसपुरवा में और जहां पे बैठी मछल दे माए नभ के चरण छुए ते जननी के और जनिए से कही ती सुनाए। अरे काय को जननी ना पुश होई गई मोय गोदिया में लिए री उठाए तब रोई के मछला बोलन लागी दर्जा मंडली के लाल तेरे पीछे दिवरु हमारो मेरे पीता बने दो तुम्हारा वाय। और उदल देवराया बनाए मिलिए तो से होते पुत्र हजार रोय के मछला अब आंगन में और इंदल ते कही ती सुनाए डर जा मेरे आंगन से अपनो मुख दिखाइए अनाए। आई गई थी इंदल के के जननिया को देवे बताए और याद आई गई तब उदल की चाचन नाइया दैती कराए रोए की इंदल बांसे चल दे और वाल हाथे पहुंच आए जाए। सूरत देखी अति अब बेटा की गद्दी पे मूड़ मार भैराए तेरे पीछे कुमर हमारे उदल मैंने दो तुम्हारा वाय फट जा धरती तू जा आंगन सब दुख लेके जावे समाए। कटारी तीरे आला ने और हृदय पहले ती जमा है और पेट फार के हम मर जावे आते गुदिया दे में लटकाई। देवा छैया जल मजलैया बहिया गही ती ददा किया जाए और रोई ते दादा कछु नए बंधिए हिम्मत बांधो बिरन
लाल बराई दिको सज बाबो बलख बुखारे को करो तैयार। हम एक महीना को पैदा करके और इंदल को लाए लिवाई। सोई रोए के आला बोलन लागे देवा सुन ले अरज हमारी। हो तो उदलिया जो जो घर में तो सब जीत ले तो करवाई। और बिना लोरबा के खेतन में कोमो पे डाल अड़ावे जाए। और एक मैया के दुई सुत हो में एक से एक बली सरदार। और एक जूझ जाए रन खेतन में दूसरो जाए गहे तलवार। और लेके लाश खास भैया की अरे मैया के धरे अंगारी। तब रोए के ढेबा बोलन लागे दादा मंडली कयो तार। और देर करन को मौका नहीं जल्दी बांध ले तलवार। और पामन गढ़ को खत भिजवाए सवरे राजा लेत बुलवार। और बरना बना इंदल बेटा को आगे कुचद करवाए। यार लेके फौजे आला अब आंगन ते निकले हैं। यार लेके फौजे आला अरे आंगन ते निकले हैं। आंगन ते निकले हैं आला आंगन ते निकले हैं। राठौर लेके फौजे आला अरे आंगन ते निकले हैं। इधर जैसे ही आल्हा इंदल की बरात सजाने लगे हैं, उधर मछला ने पत्र भेजकर सिरसागढ़ से मलखान को बुलाया। और मलखान जैसे ही महोबे में आए हैं, उन्हें सारी हकीकत पक्का पता लग गया इंदल के द्वारा कि अभी तक उदल जिंदा है। लेकिन मलखान आल्हा के पास जाकर बोले, भैया आज भुजा पकड़ आल्हा की ऐसे बोलो तो सिरसा को सरदार। और तुम मरवाई दो उदल को दादा मंडली कयो तार। और कैसे ब्याह होए इंदल को दादा सांची अदियो बताए। और रोय की आला बोलन लागे सुन ले सिरसा के सरदार। और बोली की गोली अब मत मारे मेरे हो तक कलेजा घाय। महल मामा की चुगल न मैं सब घर हुई गौ बंटा ढार। याद आई गई है जूदल की आला ने छोड़ी दई डिडकार। और हो तो उदल जो आज जिंदा तो सब जीत दे तो करवाए। और एक दिना ने नागड़ चढ़ गौ जबरन ब्याह लो करवाए। टंगी खोपड़िया ती अमाड़ो में सो बबुला की लई उतार। और कर कर याद अरे भैया की धरती ते मुड़ मार गहरा है। और भुजा पकड़ लई तब मलखे ने और आल्हा ते कही सुनाए।
और रोई ते दादा कछु नहीं बनी है हिम्मत बांधो बिरन हमारे और गए मरे को सोचो न करियो जाहे जो बेदरीत व्यवहार चली बराए तेहर महुवे की उतउदल के सोनो हवाली कह गए अंडर बरगल के मैदान न में उदल फौजे रहो सजा एक लाख जवानन के अंदर उदल करन लगो सेनार कह गए ए वर्मा जी नगला मथुरी के अपन रैफल लियो उठा ओ तुम उचलियो बलख बुखारे पुजे है बज बज के रे तलवार ए बलख बुखारे के मैदान न में घुटुअन दी है जो कीच उठा सुनत खन आज शादी को राठौर फूल बम हुई जान और ब्याह करने की बाजी लागी बजी है घूम घूम तलवार और इतमे फौजे महुबे बालियों तमे नरवर के सरदार और एक को सको अंतर लेके उदल फौजे दाई टिका धोसा हो तो गोल में जावे आला चोक चोक रह जा तब ढेवा बोलू है आला से दादा कोनो भार में जाओ और मालूम पड़ते हमें जियरा में आए गौ दहली को सरदार और चुगली खाई दई माहिल ने घेरी फौज महोवे क्या रे नौजवानो इधर उदल फौजी लेकर बलख बुखारे में पहुंचा है। उदल का पता सभी महोबे बालों को था लेकिन आल्हा को नहीं पता था कि उदल जिंदा है। एक कोस के अंतर पर उदल की फौजी नरवर से जो आई थी रुकी हैं। इधर उदल धोसा बजा रहा है आल्हा समझने लगा कि पृथ्वीराज चौहान ने मेरी फौजें घेर ली और सभी महोबे बाले उनकी मजाक उड़ाने लगे। ए मलखे बोले तब आल्हा से दादा मंडली कयो तार कहे ए फौजी आ गई पिथी राज की दादा बांध ले तलवार सोया दी आ गई है उदल की आला रोई रोई गहराए और जलम जलैया हो तो भैया नैया खे लगा तो पार और बिना लोहरबा के खेतन में को विरथी को घटावे मां व्याकुल देखो तो याला को मलखे हलकारा भेजवाए और खबर भेज दइए उदल पे धोसा बंद दियो करवा भैया सुख की नींद बना पर सब डेरन में सो रहे हैं राठौर सुख की नींद बना पर सब डेरन में सो रहे हैं सो रहे हैं डेरन में सो रहे हैं भैया सुख की नींद बना फर अब डेरन में सो रहे हैं आप मेरे नौजवान साथियों इधर रात्रि भर अपने अपने डेरों में विश्राम किया है सभी लोगों ने और सुबह जैसे ही भगवान भास्कर ने पूरब में आंखें खोली हैं आल्हा ने इंदल के विवाह का संदेश बलख बुखारे के सम्राट अभिनंदन के आंगन में भिजवाने के लिए पांच पान का बीड़ा लेकर